वेलकम टू माय चैनल दीना परियार। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आवश्यक सूचना, मेरे पास 4-5 दिन पहले फोन आया कि आपको फिराज मिला हुआ है। ये कौन सी फिराज? आपने वीडियो देखी हुई 2-4 दिन पहले, हमने मेकअप किट की वीडियो डाल रखी है। तो उसी ये भी पता था कि हमने मेकअप किट मंगाई है वहाँ से, ऑनलाइन शॉपिंग की है, और ये भी मालूम है कितने रुपए की है। उसने सब कुछ बताया कि आपको फिराज मिला है। ये बताओ क्या फिराज मिला है, कि आपको या तो 12 लाख रुपए है या गाड़ी है। तो हमने आपको जो सही लगे वो मुझे दे दो। उसने कहा अच्छा, मैंने कैसे मिलेगी? तो उसने कहा गाड़ी चाहिए तो कुछ कागज़ बनेंगे और पैसे बैंक से, तो आपको बैंक की सारी डिटेल देनी होगी और 2 फोटो। अच्छा, और मैंने गाड़ी के लिए आपको आधार कार्ड देना है और 1 फोटो देना है। अच्छा ठीक है। तो हमने सोचा, मैंने कि हम ऐसे कैसे दे दें। तो हमने फिर कहा, मैंने कि अभी नहीं देंगे, आप बाद में हमारे हस्बैंड आ जाएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे फ़ोन करवा के। फिर 3-4 घंटे बाद उसका फिर फ़ोन आया कि आपने बात नहीं करवाई अपने हस्बैंड से। उसने दोबारा फ़ोन किया कि आपने बात नहीं करवाई। मैंने अभी नहीं आए, वो शाम के 5 बजे आएंगे, उसके बाद 5:30 बजे के बाद आप कर लेना, तब हम आपको बात कर लेंगे कि सही है। फिर उसका शाम को फ़ोन नहीं आया, उसने नहीं किया। फिर हमने शायद नहीं किया होगा। तो भैया हमें तो बहुत खुशी हो रही है कि गाड़ी मिल रही है, या 12 लाख रुपए मिलेगी या गाड़ी मिलेगी, हमें तो बहुत खुशी हो रही कि हमारा अच्छा प्राइस है। फिर हमने बताया घर पे कि ऐसी ऐसी बात है, सब लोगों ने कहा फंस मत जाना और ऐसे कहीं प्राइज नहीं मिलते, बोले झूठ बोल रहे हैं, पैसे ले जाएंगे 2-4-6 हज़ार रुपये और कह देंगे कागज़ बनना है। हमने कि अच्छा ठीक है, अब आएगा फिर दोबारा तब बताएंगे। तो हमें तो ये बहुत पूछे नहीं, हमारे पास तो पैसे आते ही नहीं। वो 6 हज़ार रुपये की बोल रहा था कि 6 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे आपको, तब गाड़ी के कागज़ बनेंगे। भैया हमारे पास तो 6 हज़ार थे भी नहीं, होते तो शायद सोचते भी। तो फिर 3-4 दिन बाद फिर दोबारा फ़ोन आया कि आपने बताया नहीं कि आपको फिराज चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कि चाहिए दे दो। तो मैंने कि आप घर पे आओ देने, हम कहाँ आएंगे लेने के लिए। उसने कहा हमने ठीक है, हम आएंगे, आपको क्या चाहिए? हमने कि पैसे दे दो या गाड़ी दे दो, कुछ भी दे दो, मैंने घर पे आओ देने। कि उसने कहा 3,500 रुपये लगेंगे, घर पे आएंगे कुछ कागज़ आगज बनेंगे उसके 3,500 रुपये लगेंगे। तो मैंने सोचा, मन में सोचा कि पहले तो ये 6,000 रुपये मांग रहा था, अब ये 3,000 रुपये, 3,500 रुपये पे आ गया। तो हमने कहा रुपये है ही नहीं हमारे पास, हम आपको कहाँ से दे दें। तो उसने कहा रुपये नहीं है तो प्राइज नहीं मिलेगा। तो हमने कही कि अगर रुपये होते तो हम आ नहीं जाते वहाँ पे, कंपनी जहाँ से सामान मंगाया वहाँ हम खुद ही पहुँच जाते अगर हमारे पास पैसे होते। ये प्राइज के लिए तो सभी लोग जाते हैं ना। कि अच्छा ठीक है, मैंने कि हमारे पास पैसे नहीं है 3,500, आपको वैसे ही देना हो तो दे दो। उसने कहा नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है। तो सब लोगों ने घर पे बताया अगर ऑनलाइन ऐसा कोई प्राइज होता तो पहली बात तुमने वो किट मंगाई तो उसी में कूपन निकलता। मैंने उसमें तो कोई कूपन ही नहीं निकला, ऐसे प्राइज नहीं आता, ऐसे तो पैसे ठग ले जाते हैं सभी लोग और बस। और बाद में अपना वो जिस नंबर से कॉल आती है वो कॉल बंद हो जाती, फिर तुम फ़ोन करते रहो, एक बार दे दोगे फिर दोबारा फिर फ़ोन आएगा कि इतने में काम नहीं हुआ है, आपसे 4-5 हज़ार रुपये और ले लेगा, ऐसे 10-12 हज़ार रुपये ले जाएगा, फिर अपने कॉल बंद कर लेगा। भाई हमने मना तो कर दिया है कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है, और वास्तव में पैसे नहीं थे, नहीं तो हम सोचते भैया गाड़ी कहाँ, गाड़ी अच्छी लगती है। इसीलिए भैया किसी की कोई कैब कॉल आए तो आप कभी उस पर विश्वास मत करना, नहीं तो फंस जाओगे, 4-10-20 हज़ार रुपये ले जाएगा और ना गाड़ी मिलेगी ना पैसे मिलेंगे, तो हैं वो भी चले जाएंगे। तो हम तो यही जानते हैं। और भैया वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भैया, अपना समझ के। इसलिए हम तो गाड़ी में बैठ लिए और घुमाए तो फिर घर पे आ गए, जहाँ कि बैठे हुए हैं।
और आप लोगों के सामने है, इसलिए हमने वीडियो सोचा हमने क्या वीडियो बना लें और हम अपलोड कर दें आगे, इसलिए आप लोगों को पता चले कि हाँ ऐसी कॉल आती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए फंस नहीं पाए, पैसे होते तो हम फंस जाते। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, इसलिए हमें भी तो पता चले कि किसने किसने देखा है इसे और वीडियो सही लगी है हमारी। प्लीज़ हमारे ब्लॉग सारे देख लीजिए, इसलिए